एक बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हुए हैं, बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है। तो एस जयशंकर ने बड़ी बात कही है, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं, हम भारतीयों के संपर्क में हैं। जो काम की बात है, बड़ी बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है, बांग्लादेश में मंदिरों पर हुए हैं हमले, बांग्लादेश के हालात पर नजर है और बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध मजबूत है, हम भारतीयों के संपर्क में है। इससे पहले एस जयशंकर ने बताया था कि कितने भारतीयों को निकाला गया है और कितने लोग फंसे हुए हैं। हालांकि इस बीच एक और खबर आती है कि वहां पर बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। इस बात पर उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हुए हैं। क्या कहा एस जयशंकर ने, सुनिए। The situation with regard to the status of minorities, there are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. और एक और बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमला हुआ है, हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट मचाई गई है। एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए हैं। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला किया, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले की खबर है, हिंदुओं की दुकानें तोड़ी गई हैं, तोड़फोड़ मचाई गई, लूटपाट की गई है और एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए हैं। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया है। तो बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद अब हिंदू मंदिर निशाने पर हैं। बांग्लादेश के इस्कॉन ने मंदिरों में तोड़फोड़ का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इस्कॉन का दावा है कि मंदिरों में आग लगाई गई है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मंदिरों में आग लगाने का दावा, इस्कॉन मंदिर और वहां से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और यहां पर आप देख पा रहे हैं जो स्थिति है। इस्कॉन ने ये वीडियो जारी किया है, मंदिरों में आग लगाने से जुड़ा हुआ यह मसला और बांग्लादेश के इस्कॉन ने मंदिरों में तोड़फोड़ का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इस्कॉन का दावा है कि मंदिरों में आग लगाई गई है। तो ये वीडियो बांग्लादेश से तख्ता पलट के बाद अब हिंदू मंदिर निशाने पर है।